नाकामयाबी से लड़ते रहो, गिरने के बावजूद हर बार उठते रहो, बार बार प्रयास करते रहो और कभी हिम्मत मत हारो। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट जो है ये मैप है, टॉपिक मैप है, इसमें पर्सनली इंडिया का है, क्लास 3 to 10। ये सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, 3 क्लास से लेकर 10 क्लास के स्टूडेंट जो भी हैं। देखिए, आज हम आपके लिए स्पेशल क्लास लेके आए हैं इंडिया के मैप के बारे में, यानी मैप से जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन होंगे सारे को डिस्कस करेंगे इस मैप में। आप सिर्फ यही मैप नहीं, इंडिया में का मैप फिर पढ़ेंगे, अपने स्टेट का मैप पढ़ेंगे, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का मैप जानेंगे, उसके बाद वर्ल्ड का मैप पढ़ेंगे, फिर कॉन्टिनेंट जितने भी हैं सारे मैप देखेंगे, कुछ कुछ कंट्री का मैप देखेंगे। तो आप इसी इसमें इस का जो आपका पहला जो क्लास है इंडिया का मैप दिए हैं, इसमें जो आपको जितना सारा फैक्ट बताया जाएगा, जितना पढ़ाया जाएगा, जितना समझाया जाएगा, आप उसको नोट करते जाएंगे, उसको लिखते रहेंगे, और आपके जो ग्रुप में आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ पर अपना आंसर बना के भेजेंगे, तब आप वहाँ पर लिखेंगे कि हाँ सर आप दूसरा मैप बनाना चाहिए, आप दूसरा मैप का वीडियो आना चाहिए, तो हम उस पर वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे। ये हम आपके लिए एक स्पेशल एक्स्ट्रा क्लास लेकर आए हैं, अलग से मेहनत करके इसको बनाए हैं, तो आप ये मेरे मेहनत को बेकार जाने नहीं दीजिएगा, आप इस पर मेहनत कीजिएगा, और लगे आपको कि हाँ सर दूसरा मैप का वीडियो आना चाहिए, बिहार का आना चाहिए या ऑल कॉन्टिनेंट का आना चाहिए, तभी हम उस पर वीडियो बनाएंगे। कमेंट रहेगा कि इसका बनाना चाहिए सर, तभी बनाएंगे, अन्यथा हम यहीं पर ड्रॉप कर देंगे। आज का जो आपका जा रहा है ये इंडिया का, इससे हमको अगर फीडबैक मिलता है तो हम इस पर आगे काम करेंगे। चूँकि आप लोग पढ़ते बहुत हैं स्टूडेंट, जवाब भी कुछ कुछ स्टूडेंट देते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे देखते नहीं हैं। सब स्टूडेंट देखें, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और सब अपना अपना कुछ ना कुछ वर्क बनाएं और कुछ ना कुछ व्हाट्सएप पे शेयर करें, ताकि हमारे टीचर और जितने भी जुड़े हुए हैं डिजिटल टीम के टीचर मेंबर, और उसमें से आपको फीडबैक दें, आपको और अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और उससे हमको फीडबैक मिलेगा कि हाँ आपका तैयारी किस ओर जा रहा है, आप कितना सीख रहे हैं, कितना नहीं सीख रहे हैं, उसके बाद ही हम दूसरा वीडियो मैप पर बनाएंगे। तो ये आपका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडिया का मैप, इससे जितना भी क्वेश्चन होगा सारे को डिस्कस करेंगे। आइए तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आइए सबसे पहले थोड़ा इंडिया का जो इसका बेसिक चीज़ जान लेते हैं। इंडिया, यू नो दैट इंडिया इट्स ए हिंदी नेम ऑफ भारत, ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इट इज़ ए कंट्री ऑफ साउथ एशिया। इस इंडिया जो है ये साउथ एशिया का एक कंट्री है, आप देख रहे हैं मैप में, आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप देखिए। और ये जो मैप है इंडिया का, ये साउथ एशिया का एक कंट्री है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी इसका जो पॉपुलेशन में कंट्री के अकॉर्डिंग जो है पूरे वर्ल्ड में ये दूसरा नंबर पे, पहला नंबर पे चाइना, फर्स्ट पॉपुलेशन में चाइना और सेकेंड में इंडिया का नाम आता है। दूसरा है इसी में फैक्ट, द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया एंड द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यानी इंडिया का जो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में, लोकतंत्र जो यहाँ का सबसे बड़ा है, और ये 7th नंबर पे है एरिया के अकॉर्डिंग। फर्स्ट में आपका जो है वो है रसिया, सेकेंड में कनाडा, थर्ड में चाइना, नोट करते जाएं, फर्स्ट में रसिया, सेकेंड में कनाडा, थर्ड में चाइना, फोर्थ में USA, फिफ्थ नंबर में आपका ब्राज़ील है, 6th नंबर में आपका ऑस्ट्रेलिया है, और 7th नंबर पे आपका भारत है। एक चीज़ आपको यहाँ बताना चाहते हैं, 5th नंबर में जो आपका ये ब्राज़ील कंट्री है, और एरिया में भी वो 5th नंबर पे है, और इसके बाद ये पॉपुलेशन में भी 5th नंबर पे है। पॉपुलेशन इसका इतना है कि अगर मान लीजिए यूपी, आप देख रहे हैं ये बॉर्डर जो आपका यूपी का है एरिया, मेरा कर्सर देखिए ये यूपी का है, ये यूपी में इतना पॉपुलेशन है, जानते हैं पॉपुलेशन में इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो स्टेट में है वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में ही है। अगर उत्तर प्रदेश का, अगर उत्तर प्रदेश को एक अलग कंट्री बना दिया जाता तो ये ब्राज़ील को पीछे छोड़ के ये 5वां नंबर पर हो जाता, ब्राज़ील 6ठा नंबर पर। सोचिए कि इसका कितना आबादी है,
कि ये एक कंट्री इतना आबादी है, ये कंट्री से भी ज़्यादा है एक इसका आबादी। और ब्राज़ील जो पांचवा नंबर पे है, अगर यूपी को कंट्री बना दिया जाएगा तो यूपी पांचवा नंबर पे हो जाएगा। सोचिए ये ब्राज़ील से भी ज़्यादा आबादी है यूपी में, तो आप समझ गए। और इस तरह से ये सातवा नंबर पे ये इंडिया जो है एरिया के अकॉर्डिंग है। अब इसका जो नेबरहुड कंट्री है, 9 नेबरहुड कंट्री है, और इसमें जो इंडियन में ओशियन है, साउथ में श्रीलंका के जस्ट नीचे अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ पर बहुत सारे और आइलैंड आपको यूनियन टेरिटरीज देखने के लिए मिलेगा। तो आइए सबसे पहले इनका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझते हैं। सबसे पहली बात इसका थोड़ा देखते हैं एरिया। द मेनलैंड ऑफ एरिया ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम 8 degrees 4 minutes, यहाँ पर लीजिए, ये जो इसका मेनलैंड का है, ये साउथ में, ये तमिलनाडु का सबसे निचला बिंदु, यहाँ जो कन्याकुमारी है, यहाँ से लीजिए, इस यहाँ पर है, ये लैटिट्यूड है, आप याद रखेंगे, ये 8 degrees 4 minutes, आप इसको सेकंड छोड़िए, सिर्फ मिनट में याद रखिए, 8 degrees 4 minutes नॉर्थ टू 37 degrees 17 minutes नॉर्थ, आप इसको इतना रखिए, 17 और भी मिनट है इसको और सेकंड है, इसको कैलकुलेट करके डायरेक्ट कर दिया गया है 8 degrees 4 minutes नॉर्थ टू 37 degrees 6 minutes नॉर्थ, आप इतना याद रखेंगे। यानी कहाँ से कहाँ, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक का जो इसका है एरिया है, ये 8 degrees 4 minutes नॉर्थ लेटीट्यूड टू 37 degrees 6 minutes नॉर्थ लेटीट्यूड, ये नॉर्थ का हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा ईस्ट में देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके ये गुजरात है, गुजरात से लेके यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ये एरिया यहाँ तक, यानी 68 degrees 7 minutes नॉर्थ ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड ऐसे करके होता है, इसलिए लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लेटिट्यूड जो ऐसे होता है लेटा हुआ रहता है, लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो लंबा हुआ है। तो इसका है गुजरात में देखते हैं सबसे लास्ट बिंदु, यहाँ पर जो है 68 degrees 7 minutes ईस्ट लेटिट्यूड टू 97 degrees 24 minutes नॉर्थ लेटिट्यूड, आप इतना सारा इसको याद रखेंगे, 24 कहीं 25 मिनट भी नॉर्थ लेटिट्यूड देता है। तो ये जो है द लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली सेम, दैट इज 30 degrees का डिफरेंस है, यहाँ 8 डिग्री से लेके यहाँ 37 मिनट तक में जो इसका मेन है कि ये 30 डिग्री में फैला हुआ है। अब इसका समझिए कि जो फैला हुआ है आपका, यानी 37 डिग्री 6 मिनट से लेके यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट तक, यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से लेके यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये जो है आपका इतना में ये इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड फैला हुआ है, इतना विस्तार है, लगभग 30 डिग्री लेटिट्यूड में ये एरिया में 30 डिग्री एरिया में ये फैला हुआ है, यानी नॉर्थ टू नॉर्थ देखेंगे तो। अब बात करते हैं कि इसका सबसे नॉर्थर्न पॉइंट क्या है, साउथर्न पॉइंट क्या है, ईस्टर्न पॉइंट क्या है, वेस्टर्न पॉइंट क्या है। सबसे पहले नॉर्थ से ही स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर है आपका अभी तो लद्दाख हो गया, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, ये एरिया देखिए लद्दाख है जो आपका यूनियन टेरेटरीज बन गया, ये जम्मू कश्मीर है और सबसे बड़ा जो यूनियन टेरेटरीज है लद्दाख ही हो गया इंडिया का, ये लद्दाख में है, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट ऊपर, इसको कहते हैं इंदिरा कौल, यहाँ पर इंदिरा कौल जो 37 degrees 6 minutes नॉर्थ लेटीट्यूड में स्थित है। तो इंदिरा कौल इज द मोस्ट नॉर्थर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। साउथ में बात करें, कन्याकुमारी यहाँ पर है 8 degrees 4 minutes पे नॉर्थ लेटीट्यूड में। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो कन्याकुमारी है ये सबसे साउथर्न पॉइंट है मेनलैंड का। अगर बात करें कि पूरे इंडिया में सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये बिंदु, ये आपका है 6 degrees
45 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, और ये है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो ये एक हिस्सा है जो अंडमान निकोबार में ही सबसे यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु है, उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये इंडिया का सबसे दक्षिणतम यानी साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, और ये मेनलैंड छोड़ के, ये मेनलैंड यहीं तक है कन्याकुमारी तक, उसको छोड़कर पूरे इंडिया में रिवर तिवर जोड़ जाड़ के जो पूरा गया है, यानी ये वाला बे ऑफ बंगाल सब में जोड़ के, यानी पूरे इंडिया में सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जिसका कितने डिग्री लेटीट्यूड में ये फैला हुआ याद रखें, तो 6 degrees 45 minutes नॉर्थ लेटीट्यूड। याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें कि कभी कभी पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में फैला है या वहाँ पर है, तो 6 degrees 45 minutes नॉर्थ लेटीट्यूड, ये ऐसे करके इसका एरिया चल जाएगा, सोचिए। अब आते हैं इसका वेस्टर्न पॉइंट, जो यहाँ पर पहले कच्छ गुजरात था, अभी जो इसका वेस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पर जो है वो उसको कहते हैं गुहार मोती। कहीं कहीं पर आप पढ़ते होंगे गौर माता, गौर माता या गुहार मोती, ये गुजरात का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, 68.7 degrees ईस्ट लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है, और सबसे वेस्ट में कौन सा, ये ईस्ट में कौन सा है, तो यहाँ पर किबिथू, अरुणाचल प्रदेश का ये जो बिंदु देख रहे हैं कर्सर देखिए, यहाँ पर जो है किबिथू है, जो 97 degrees 25 minutes ईस्ट लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है। तो आप समझ गए हैं कि उत्तर में सबसे उत्तर में बिंदु जो है आपका वो है इंदिरा कॉल, दक्षिण में कन्याकुमारी, दक्षिणतम मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, और सबसे जो आपका पश्चिमी पॉइंट है आपका वो हो गया गौर माता या गुहार मोती, और सबसे जो उत्तर ये क्या बोलते हैं इसमें सबसे आपका पूर्वी बिंदु जो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट वो है आपका किबिथू अरुणाचल प्रदेश। तो आप ये मेन चीज़ समझ गए। अब आइए इसका जो नेबरहुड कंट्री है उसको देखते हैं। यहाँ पर आपका है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान है यहाँ पर, आप देख रहे हैं कर्सर, ये एरिया में पाकिस्तान है। कभी कभी पूछा जाता है पाकिस्तान कितने स्टेट से सटा हुआ है, तो पाकिस्तान देखिए ये एक आपका गुजरात हो गया, यहाँ आपका हो गया राजस्थान, यहाँ पर पंजाब, पहले जम्मू कश्मीर से सटता था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया, यूनियन टेरेटरीज हो गया, तो स्टेट की बात करें तो 3 states से सटता है, एक ये देख रहे हैं गुजरात, पंजाब यहाँ है, तो गुजरात, ये आपका राजस्थान और ये पंजाब, 3 states से सटता है, 2 union territories से, एक अब इससे जम्मू कश्मीर से और एक लद्दाख से, याद रखेंगे। और यहाँ पर आपका जो ये पॉइंट देख रहे हैं आप, लद्दाख से जो एकमात्र यूनियन एक कंट्री सट रही है, उस कंट्री का नाम है अफगानिस्तान। यहीं पर है आपका खैबर दर्रा, खैबर गैप, यही गैप होते हुए ये सिकंदर द ग्रेट भारत पहुँचे थे, यही खैबर दर्रा होते हुए कोई भी विदेशी जब पहुँचते थे नॉर्थन पॉइंट से, पहाड़ी इलाका हुआ, गैप जो पास जो होता था, दो पहाड़ के बीच में जो गैप होता है उसी को दर्रा या पास कहते हैं, उसी पास से होते हुए, खैबर पास से होते हुए इंडिया में पहुँचे थे, नाम था उसका सिकंदर महान, याद रखेंगे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इतना फैक्ट मिल गया। तो एकमात्र कंट्री है जो कि एकमात्र यूनियन टेरेटरी से सटती है, ये है आपका लद्दाख। चाइना भी सटती है लद्दाख से, ऐसा नहीं कि चाइना नहीं सटती है, इस साइड चाइना है, अच्छा, और यहाँ पर, और यहाँ पर जो ये देख रहे हैं आप, ये सर्किल देखिए जो मेरा कर्सर दिख रहा है, ये एरिया पूरा जो है नेपाल है, ये आपका सिक्किम है, और यहाँ पर भूटान है। देखिए कंट्री आप देख रही है नेबरहुड कंट्री, फर्स्ट पंजाब, सेकंड में यहाँ पर आपका अफगानिस्तान, थर्ड में यहाँ पर आपका है चाइना, फोर्थ में आपका यहाँ पर नेपाल है, फिफ्थ नंबर में भूटान है, और ये जो देख रहे हैं एरिया, सिक्स नंबर पर आपका हो गया बांग्लादेश, और यहाँ पर जो ये एरिया आप देख रहे हैं, सेवन्थ नंबर पे ये एरिया आपका हो गया म्यांमार का, एट नंबर में ये हो गया आपका श्रीलंका, और यहाँ पर इंडियन ओशियन के जस्ट छोटा छोटा बिंदु दिख रहा होगा वो एरिया है आपका मालदीव का। टोटल नाइन कंट्रीज़ है नेबरहुड कंट्री इंडिया का, सेवन्थ जो है लैंड से सटा हुआ है, और 2 जो है यानी श्रीलंका एंड मालदीव, ये जो है आपका रिवर से सटा हुआ है, यानी ये आइसलैंड कंट्रीज़ हैं। तो आप ये समझ गए होंगे पूरा 9 ये कंट्रीज़ हैं दिखा दिए, एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर आपका है पाकिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ, चाइना यहाँ, नेपाल यहाँ, यहाँ भूटान,
यहाँ पर बांग्लादेश, यहाँ म्यांमार, यहाँ श्रीलंका और यहाँ पर आपका मालदीव। आप इसको नोट कर लें, देख लें लोकेशन क्या क्या है। अब इसकी हम लोग बात करते हैं तो इसका सबसे पहले यूनियन टेरेटरीज देख लेते हैं। टोटल अभी 8 यूनियन टेरेटरीज हैं, उसको पहले देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला यहीं से शुरुआत करते हैं, यहाँ लद्दाख है जो सबसे बड़ा है, लद्दाख फर्स्ट, जम्मू कश्मीर सेकेंड। यहाँ पर ये छोटा सा एरिया देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये आपका इस समय जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपका हरियाणा है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, दोनों के बॉर्डर पर ही सटा हुआ है ये। ये है आपका नई दिल्ली, तो नई दिल्ली को भी याद रखिए। एक हो गया लद्दाख, फर्स्ट लद्दाख, सेकेंड जम्मू कश्मीर, थर्ड दिल्ली, और यहीं पर है यहाँ पर आपका है, यहाँ पर ये यहाँ पर है आपका चंडीगढ़, जो हरियाणा और पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़। तो ये हो गया एक लद्दाख, सेकेंड नंबर पे जम्मू कश्मीर, थर्ड में आपका हो गया चंडीगढ़, और फोर्थ नंबर में आपका हो गया नई दिल्ली। चार यूनियन टेरिटरीज आप इधर देख लिए, समझ गए। अब आइए यहाँ पर है आपका ये गुजरात के जस्ट नीचे दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दोनों एक ही बन गया है। फिर से सुनिए, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव दोनों एक बन के पाँचवा जो है ये बन गया है, और इसका कैपिटल दमन ही है। अब यहाँ पर जो ये छोटा छोटा बिंदी दिख रहा है ये एक और यूनियन टेरिटरीज है जिसका नाम है लक्षद्वीप, ये छठा हो गया। यहाँ पर जो है आपका पुदुचेरी है, अभी दिख नहीं रहा है, छोटा सा, बहुत छोटा सा है पुदुचेरी, और इसमें मात्र चार डिस्ट्रिक्ट है जो तीन अलग अलग जगह फैले हुए हैं, यमन, क्रायकल, माहे, इस तरह से फैला हुआ है। तो पुदुचेरी हो गया सातवां और अंडमान एंड निकोबार हो गया आठवां। फिर से देखिए, लद्दाख फर्स्ट, सेकंड पंजाब, सॉरी सेकंड जम्मू कश्मीर, फर्स्ट में लद्दाख, सेकंड में जम्मू कश्मीर, थर्ड में चंडीगढ़, फोर्थ नंबर में नई दिल्ली, फिफ्थ नंबर में दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, सिक्स नंबर में आपका लक्षद्वीप, सेवन्थ नंबर में पुदुचेरी, और एट नंबर में आपका हो गया अंडमान एंड निकोबार। ये आठ यूनियन टेरिटरीज हैं, और इसका कैपिटल देख लेते हैं एक बार। लद्दाख का कैपिटल लेह, जम्मू कश्मीर का कैपिटल जम्मू कश्मीर ही है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है, और दिल्ली का दिल्ली ही है। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन द्वीप का कैपिटल दमन है, लक्षद्वीप का कैपिटल कवारत्ती है, पुदुचेरी का कैपिटल पुदुचेरी ही है, और अंडमान एंड निकोबार का है पोर्ट ब्लेयर, आप इसको याद करें। अब आइए अपने स्टेट पर आते हैं, एक एक करके स्टेट को देखते हैं। अब जो आपका नॉर्थन स्टेट हो गया वो है, हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये जो दोनों जो है, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये यूनियन टेरिटरीज हो गया, इसलिए आप स्टेट में नहीं रखेंगे। अब 28 स्टेट है, आप उसको देखेंगे। सबसे नॉर्थन में आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, सबसे वेस्टर्न हो गया आपका गुजरात, और ईस्टर्न तो ये जानते ही हैं कि ये आपका अरुणाचल प्रदेश, और साउथर्न जो है वो आपका तमिलनाडु। तो ये आप जान ही रहे थे, ये सिर्फ चेंज हुआ है। तो नॉर्थन में हिमाचल प्रदेश गिनी है, अब यहाँ देखते जाइए और आप समझते जाइए कौन कौन स्टेट है। ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, इधर पंजाब, ये हरियाणा, ये उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश तक देखें, इधर आइए, इधर आपका राजस्थान, ये आपका हो गया गुजरात, ये आपका हो गया मध्य प्रदेश, ये आपका महाराष्ट्र, ये आपका गोवा, ये आपका कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये झारखंड, बिहार, और ये जो आपका इस साइड से गया है ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये है। एक बार और देख लीजिए, सबसे पहले नॉर्थन वाला ईस्टर्न सेवन सिस्टर को देख लेते हैं। ये सबसे जो आपका मिजोरम जो सटा हुआ है ये म्यांमार वगैरह से, तो सबसे पहले मिजोरम, ये आपका तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा, ये आपका मणिपुर, ये नागालैंड, ये मेघालय,
ये असम और ये अरुणाचल प्रदेश, ये सिक्किम, ये जो छोटा सा एरिया देख रहे हैं ये आपका हो गया, ये जो देख रहे हैं ये आपका वेस्ट बंगाल, ये बिहार, ये झारखंड, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना ये है, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, ये तमिलनाडु और ये केरला, यहाँ गोवा, यहाँ गुजरात, ये आपका राजस्थान, ये आपका हो गया हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। ये 28 राज्य हैं, आप इसको नोट कर लें, एक बार देख लें। अब आइए थोड़ा सा इसका सी के बारे में देख लेते हैं। बे ऑफ बंगाल इस साइड में है और ये अरेबियन सी है इस साइड में, इस साइड में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट साइड में अरेबियन सी और इंडियन ओशियन जो है साउथ में, और इसी को कहते हैं पेंसुलर प्लेट्यू, इस तरह का एरिया को, यानी जो तीन तरफ पानी से घिरा होता है लैंड उसी को कहते हैं पेंसुलर प्लेट्यू। अब देखिए ये तीन, अरेबियन सी इधर से घिरा हुआ है, इंडियन ओशियन नीचे से है और बे ऑफ बंगाल इस साइड से है, मतलब तीनों जगह से जो घिरा हुआ उस एरिया को कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार, इट मीन्स पेंसुलर प्लेट्यू। आप समझ गए होंगे। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं कुछ उथला हुआ भाग है, ये आपका जो है डेल्टा बना रही है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, ये कौन रिवर है, ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिलके ये डेल्टा बनाती है। यहाँ कच्छ है, ये गुजरात है, यहाँ पर नमक का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है, आप ये एरिया में देख सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, समझते हैं कि बे ऑफ बंगाल किसको कहते हैं। आप कभी कभी देखते होंगे इसको हिंदी में कहते हैं बंगाल की खाड़ी, यानी बे को खाड़ी कहते हैं। कहीं कहीं पर आप पढ़ते होंगे गल्फ, गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ देख रहे हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान को ये, मतलब इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है गल्फ ऑफ मन्नार, तो गल्फ मतलब भी वही होता है मन्नार की खाड़ी, हिंदी में कहेंगे तो मन्नार की खाड़ी और इसको इंग्लिश में कहेंगे तो गल्फ ऑफ मन्नार और इसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या डिफरेंस है, कभी सोचा है आपने, बे में क्या फ़र्क है, बे मतलब भी खाड़ी होता है और गल्फ मतलब भी खाड़ी होता है, कभी इसका डिफरेंस आप सोचे होंगे, नहीं सोचे होंगे। तो समझिए बे जो होता है वो बड़ा एरिया रहता है और गल्फ जो होता है वो छोटा रहता है, इसलिए इसको गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं, क्योंकि ये भारत और श्रीलंका के बीच है, छोटा सा हिस्सा है गल्फ ऑफ मन्नार, और यहाँ पर जो है बे ऑफ बंगाल ये बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए इसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं। सुनते होंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो गल्फ जो होता है बे से छोटा होता है वो भी, अब बे समझिए कहेंगे किसको, वैसा एरिया जो तीन तरफ से पानी से ही घिरा हो, एक तरफ लैंड से घिरा हो, उसको बे कहते हैं, समझ गए। यानी तीन तरफ देखिए, इस साइड भी इसका पानी है, इस साइड भी पानी है और इस साइड भी पानी है, थोड़ा सा ऊपर का जो हिस्सा है वो लैंड से घिरा हुआ है, जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, यानी जो एरिया तीन तरफ पानी से घिरा होता है उसको पेंसुलर कहते हैं, पेंसुलर प्लेट्यू, और जो पानी तीन तरफ जमीन से घिरा होता है उसी को हम लोग कहते हैं बे। देखिए एक साइड ये हो गया आपका घिरा हुआ, दूसरा साइड ये हुआ आपका घिरा हुआ ऊपर का, और तीसरा साइड जो आपका नीचे में है वो है। यानी कहने का मतलब है बे ऑफ बंगाल जो है, यानी बे ऑफ बंगाल यानी बे जो है वो तीन तरफ लैंड से घिरा होता है, फर्स्ट साइड इस साइड देखिए लैंड से घिरा हुआ है, ऊपर का साइड भी लैंड से घिरा हुआ है और इधर का साइड भी लैंड से घिरा हुआ है, एक तरफ ये इधर से जो है इसका एरिया पानी से सटा हुआ है उसको बे कहते हैं। ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, अगर मैप के द्वारा अगर आप पढ़ रहे हैं, मैप में समझ रहे हैं, कोई भी चीज़ हो विदाउट मैप पढ़िएगा याद रहेगा, लेकिन कुछ देर के बाद भूल जाइएगा, इसलिए ज्योग्राफी चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एटलस। जो भी स्टूडेंट एटलस के बिना अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो वो बेकार पढ़ रहे हैं, बिना एटलस अगर पढ़ रहे हैं तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं आप, इसलिए आप लोग एटलस खरीद लें। अभी लॉकडाउन है, जब अभी बुक की दुकान खुल चुकी है सभी जगह, आप जाके वहाँ पे 250 में एटलस ले लें और एटलस से पढ़ाई करें, देखिए आपका माइंड में ही सारा चीज़ का मैप बन जाएगा और ऐसे ही आप पूरा वर्ल्ड का शेयर कर, मतलब बैठे बैठे घूम लीजिएगा, आप एक अच्छे से मैप आपका माइंड में बैठ जाएगा पढ़ते पढ़ते, और
मैं आपको सारे मैप का एक अच्छे से स्टडी करवाऊंगा। इसलिए आप सबसे पहले एटलस खरीद लें और एटलस खरीदने के बाद हमको ज़रूर बताएं कि सर एटलस खरीद लिए हैं, फिर हम आपको एटलस में भी वर्क देंगे, इसलिए आप एटलस को ज़रूर खरीदें। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये मात्र एक कंट्री है इंडियन, जो इंडिया जिसके नाम पर इंडियन ओशियन है, 5 इंडियन ओशियन है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें कि पैसिफिक ओशियन सबसे लार्जेस्ट ओशियन है और आपका जो है इंडियन ओशियन जो एक ऐसा ओशियन है जिसका में कि एक मात्र कंट्री के नाम पर ये ओशियन का नाम पड़ा। ये आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, जम्मू कश्मीर से लेके मतलब लद्दाख जम्मू कश्मीर से लेते यहाँ तक जो नामचा बड़वा अरुणाचल प्रदेश तक जो फैला हुआ है, ये माउंटेन का विस्तार है। यहाँ तक 2500 किलोमीटर में यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है इसी को, और यहाँ से इसका जो चौड़ाई भाग है फैलने का ये 400 किलोमीटर है और यहाँ पर जो इसका फैलाव है लगभग 150 किलोमीटर इसका चौड़ाई है इस एरिया में, क्योंकि इस एरिया में थोड़ा माउंटेन छोटा मिलेगा और इस हिमालय माउंटेन में इसका एरिया जो है लगभग 6000 मीटर से ऊपर का ही मिलेगा यहाँ हिमालय माउंटेन में। ये बीच वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ये आपका सेंट्रल है, सेंट्रल में मात्र आपका 2-3 स्टेट आता है, आप इसको याद रखेंगे। कभी आपको क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में कि सेंट्रल मतलब 4-5 ऐसे हैं स्टेट जो सेंट्रल में हैं, कभी आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए 5 स्टेट है जो आपका सेंट्रल में है, आपको कभी पूछ दिया जाए कि हाउ मेनी स्टेट देर आर सेंट्रल इन इंडिया, तो आप देंगे देर आर 5 स्टेट इन सेंट्रल इन इंडिया। पहला आप देखिए यहाँ पर हरियाणा जो सेंट्रल में है, सेंट्रल मतलब बीचों बीच, यानी ये दूसरे कंट्री से नहीं लगा हुआ है, अपने ही स्टेट से पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है, ठीक है। तो पहला हरियाणा, दूसरा आप मध्य प्रदेश देख रहे होंगे, तीसरा आप देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये छत्तीसगढ़, और चौथा जो आपका है झारखंड, और पाँचवा जो आपका तेलंगाना। तेलंगाना 2 जनवरी 2014 को ये बना था, 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया मतलब नया राज्य बना, तो आप इसको याद रखेंगे। अब आइए हम लोग जानते हैं कि इंडिया को सेंटर यानी सेंटर से एक लाइन जाती है जो इंडिया को दो भाग में बांटती है, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 राज्य से गुजरती है, पास जो होती है इसका लाइन 8 राज्य से होती है, तो आप इसको याद करें। अब देखिए इसको ट्रिक से याद करने की कोशिश ना करें, इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ से जाती है 23/2 यानी 23.5 डिग्री से ये गुजरती है और इंडिया को दो भाग में बांट देती है। सबसे पहले देखिए ये सबसे पहले गुजरात, यहाँ पर मेरा कर्सर देखिए यही है आपका, समझिए कि यही है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये गुजरात। सेकंड में देखिए राजस्थान में इन कर चुकी है राजस्थान, थर्ड में आपका है मध्य प्रदेश, फोर्थ नंबर पे आपका है छत्तीसगढ़, फिफ्थ नंबर पे आपका है झारखंड, सिक्स नंबर पे आपका यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, यहाँ तक वेस्ट बंगाल है, सेवन्थ नंबर पे आपका है यहाँ पर त्रिपुरा, और एट नंबर पे आपका मिजोरम। एक बार फिर से देख लीजिए, फर्स्ट में गुजरात, सेकंड में राजस्थान, थर्ड में मध्य प्रदेश, फोर्थ नंबर में आपका हो गया छत्तीसगढ़, फिफ्थ नंबर पे झारखंड, सिक्स नंबर पे आपका हो गया वेस्ट बंगाल, सेवन नंबर पे हो गया आपका ये त्रिपुरा, और एट नंबर पे मिजोरम। ये 8 राज्य से भारत से गुजरती है इसका लाइन। अब ये तो आप देख लिए, एक है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी 82.5 डिग्री ये भारत से गुजरती है, क्योंकि ये ग्रीनविच से लिया गया है, इंडियन मतलब GMT यानी ग्रीनविच मीन ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, इट मीन्स GMT यानी जो आपका ग्रीनविच लंदन में है वहाँ से इसका निर्धारण किया गया। ये 5.5 घंटा आगे है, इसको अगर तोड़ दीजिएगा 82.5 डिग्री को यानी 82/1/2 डिग्री को इसको तोड़ देने के बाद आपका 15 डिग्री बराबर 1 आवर होता है और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए तो आपका 82.5 डिग्री 5.5 घंटा यानी 5.30 ऐसा आता है, यानी 5 घंटा 30 मिनट
यानी 5.5 घंटा ये इंडिया में है, मतलब आगे है उससे, और यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम खींचा गया है, तो ये खींचा गया है आपका, और इसका एग्जैक्ट लोकेशन है उत्तर प्रदेश में एक शहर है मिर्ज़ापुर, कहीं कहीं नैनी भी पढ़ते होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में नैनी से भी ज़्यादा सटा हुआ है आपका ये मिर्ज़ापुर। अगर कभी आप उत्तर प्रदेश जाइएगा और वहाँ पर अगर पहुँच गए मिर्ज़ापुर, तो वहाँ पर लिखा रहेगा वेलकम टू मिर्ज़ापुर। आप अभी जो है दुनिया के दुनिया में जो आपका जो भी स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन अभी आप जो हैं ग्रीनविच सॉरी अभी आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर खड़े हैं, ऐसा वहां पर लिखा रहेगा। मिर्ज़ापुर में आपका स्वागत है, अभी आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर खड़े हैं, पहुंच चुके हैं, ऐसा करके लिखा रहेगा। आपका स्वागत है, आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर खड़े हैं। तो यहाँ से खींचा हुआ इसका लाइन 85 डिग्री। ये कभी कभी पूछ देता है कि कितने राज से गुजरती है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो ये 5 राज से इसका लाइन पास होती है। पहला देख लेते हैं, पहला जो है आपका उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर, दूसरा आपका है मध्य प्रदेश, देखिए ये लाइन गया इधर मध्य प्रदेश, तीसरा आपका है यहाँ पर छत्तीसगढ़, चौथा आपका उड़ीसा, और पाँचवा है आपका आंध्र प्रदेश। ये आप याद रखेंगे, फिर से एक बार देख लीजिए इसका 5 राज्य कौन कौन सा है जिससे कि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, सेकंड आपका मध्य प्रदेश, थर्ड में आपका छत्तीसगढ़, फोर्थ नंबर में आपका ये उड़ीसा, और फिफ्थ नंबर में आपका हो गया आंध्र प्रदेश। ये आप याद रखेंगे इतना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मेन बॉडी हम लोग देख चुके हैं, समुद्र वाला भी एरिया देख लिए, बे ऑफ बंगाल समझ गए, बे समझ गए किसको कहते हैं, सी अब जो अब लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको सी यानी समुद्र कहते हैं। अब समुद्र भी एक स्थित वाटर होता है, मतलब स्थिर वाटर जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, लैंड घिरा हुआ जगह को समुद्र कहते हैं। बहती हुई पानी को नदी कहते हैं, रिवर कहते हैं, आप जानते हैं। लेक यानी झील भी एक जो तालाब जैसा ही आकार में रहता है, और वो भी चारों बगल से घिरा रहता है। तो ये सब चीज़ आप समझ गए हैं, इंडियन ओशियन यानी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर का जो एरिया रहता है, सबसे बड़ा वाटर वो ओशियन में तब्दील हो जाता है, और ये ओशियन कहलाता है। ओशियन, सी, बे, गल्फ आप ये समझ चुके हैं। इसका यूनियन टेरेटरीज वगैरह देख लिए हैं, टोटल स्टेट देख लिए हैं, देख लिए हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से कौन कौन राज्य गुजरती है, और दूसरा ये भी देख लिए कि हम लोग कौन कौन यूनियन टेरेटरीज हैं, कैपिटल क्या है, और उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज से गुजरती है और कौन कौन है, और हम लोग इसका लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सारा देख चुके हैं कितना चीज़ में इसका एरिया। अब इसकी एरिया की बात करें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, नोट डाउन करें, फिर से बोल रहे हैं 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो आपका इंडिया का है, आप इसको याद रखेंगे। इतना सारा चीज़ हम लोग फैक्ट इसमें समझें, और बहुत सारा हम लोग इसमें देखेंगे कि अब जैसे कि यहाँ पर अरावली माउंटेन है आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका सतपुरा रेंज है, यहाँ विंध्यन रेंज है, नर्मदा नदी यहाँ पर बहुत फेमस है, यहाँ पर यहाँ से निकलती है विंध्यन से, यहाँ पर और भी माउंटेन है, अनाईमुडी है, और भी है यहाँ पर कंचनजंगा है, काराकोरम रेंज है, यहीं पर केटू है आपका गॉडविन ऑस्टिन, नामचा पर्वत पर्वत है यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर मेघालय में है गारो खासो जयंतिया, यहाँ पर ये सब ट्राइबल पीपल भी हैं और ये यही पहाड़ में भी रहते हैं, तो पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर फेमस नदी की बात करें तो गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी को ही हम लोग घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका साउथ में बहुत सारे रिवर हैं, कृष्णा, कावेरी, बहुत सारे अलग अलग रिवर हैं। इसका जो है ना बोलने से सिर्फ नहीं होगा, इसका एक स्पेशल चैप्टर हम लोग रिवर के ऊपर पढ़ेंगे, मैप में ही हम लोग रिवर पढ़ेंगे, मैप में ही हम लोग माउंटेन पढ़ेंगे, डेजर्ट पढ़ेंगे, ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा, फिर आप अच्छे से समझ पाइएगा। अभी सिर्फ कहने से नहीं होगा, अभी कुछ कुछ सम
इम्पोर्टेंट बता दिए हैं जो आप इसको याद रखेंगे। देखिए ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम आपको यहीं पर छोड़ते हैं। नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे आपका फीडबैक जैसा होगा उसी पर हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे, तब जाके उस पर हम सारा चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू।